गठबंधन को धोखा दे रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर आरोप लगा दिए। आमने सामने आ गई सपा और कांग्रेस, और इसके बाद ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई, जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसा है, इस लाइन को डिलीट भी कर दिया सपा ने अपने ट्विटर अकाउंट से। दरअसल हुआ यूं कि बीते दिन इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली थी सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि बात अब तक नहीं बनी है। इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर सीट बंटवारे पर पेच अब भी फंसा है। जो क्षेत्रीय, जो स्टेट वाइज जो बड़े बड़े दल हैं, जैसे यूपी की सपा हो गई, बिहार में जेडीयू आरजेडी है, कई जो दल हैं वो सीट बंटवारे पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि हमें इतनी इतनी सीटें चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कह रही हैं। और ऐसे में इस बीच इंडिया गठबंधन की बीते दिन एक बैठक होने वाली थी सीट बंटवारे को लेकर, फॉर्मूला तय होने वाला है, लेकिन बैठक टल गई। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि कांग्रेस गठबंधन को धोखा दे रही है, और इसके बाद ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने पहले भी कहा है, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तू तू मैं जैसी बात हो गई थी बीते दिनों। लेकिन एक बार फिर जब कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन की बैठक को टाला गया तो समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने एक बार फिर कह दिया कि कांग्रेस गठबंधन धर्म को धोखा दे रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को होने वाली बैठक टलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। सपा ने कांग्रेस पर बेईमानी और धोखेबाजी का आरोप लगाकर तंज कसा है और बाद में पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। साथ ही गठबंधन की सीटों के लिए पैनल घोषित कर दिया। अब ये पैनल ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर पैनल बनाने की जानकारी दी। इस पैनल में सपा महासचिव रामगोपाल यादव शामिल हैं और इसके अलावा राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक संग्राम सिंह यादव, पूर्व MLC उदयवीर सिंह भी इस पैनल में शामिल है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया, कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य भाजपा की जोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। समाजवादी पार्टी ने आगे कहा, आज सपा का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग वार्ता हेतु दिल्ली पहुंचा, मगर कांग्रेस ने चालाकी या धोखेबाजी करते हुए बैठक को टाल दिया। सपा का एजेंडा भाजपा को हराने के लिए एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की धोखेबाजियां खत्म ही नहीं हो रही। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया। एक दर्जन से अधिक पार्टियों की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, हालांकि राज्यवार सीट बंटवारे पर अब भी पेच फंसा है। इसको लेकर पार्टियों में बातचीत जारी है, हालांकि कई राज्यों में स्थानीय पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी भी देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।